नहीं दिया गया, इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं था। और उसके बाद बजट पास करने के लिए 15 भारतीय जनता पार्टी को के विधायकों को निलंबित किया, सस्पेंड किया, इसलिए किया और आज जो कार्यवाही की है वो भी इसी दिशा में। ये सारी अलोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाते अपनाते कांग्रेस पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है और जनता के दिल दिमाग से तो कांग्रेस पार्टी उतर गई है, लेकिन अब कांग्रेस के नेताओं के विधायकों के प्रमुख इनके जो कार्यकर्ता हैं उनके दिल दिमाग से भी कांग्रेस पार्टी उतर गई है। 15 विधायकों को सस्पेंड करने के बाद सदन से बाहर करने के लिए 100 मार्शल वहां विधानसभा के अंदर हमको भेजे गए हमको उठाने के लिए। इससे ज्यादा और कोई बेशर्मी की बात हो नहीं सकती। कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमारे पास रिकॉर्डिंग है जिस प्रकार का आचरण भाजपा विधायकों की तरफ से चैंबर के अंदर हुआ है। देखिए विधायक के बारे में मुझे लगता है कि अध्यक्ष महोदय को बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहिए, इसलिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो भी एक विधायक ही है। विधानसभा के अध्यक्ष के नाते जिस प्रकार से सदन के नियमों को तार तार हुआ और पूरे देश ने देखा है, ये प्रश्न उनके ऊपर भी खड़े हुए हैं। आप टेक्निकल चीजों को लेकर के पकड़ रहे हैं लेकिन आप लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप कितना वहां पर सदन में कार्यवाही के संचालन में काम कर रहे हैं, ये प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न उन्होंने जो है पूरे प्रदेश के और देश के सामने खड़ा किया है। विधायक का आचरण किस प्रकार का होना चाहिए और विधायक के आचरण के साथ साथ में जो प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं तो प्रश्न ये भी होता है एक विधानसभा के अध्यक्ष के आचरण में। हम यही है आपके पास नेता प्रतिपक्ष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और